बात बड़ी खबर की, बिहार की बात करेंगे जहां अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। बेगूसराय के बाद अब हाजीपुर में भी सरेआम फायरिंग की घटना सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। बाइक सवार बदमाशों ने हाजीपुर में भी फायरिंग की। बेगूसराय की घटना कुछ दिन पहले सामने आई, कुछ वैसा ही मामला हाजीपुर से सामने आया। बिहार में हर दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बेगूसराय के बाद अब हाजीपुर में बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने मरई रोड पर अंधाधुंध फायरिंग की। उधर से आया एक बाइक सवार, इनको फायरिंग करते हुए राजेंद्र चौक की ओर ही चल गए। मोटरसाइकिल पर कितने लोग सवार? दो आदमी, वो पासवान चौक की ओर इशारा। वहीं फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के जरिए पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। सूचना मिली थी कि यहाँ फायर कोई किया है जी, मोटरसाइकिल से आए थे, गोली वहाँ गिरा हुआ था जी। और फिर कुछ देर के बाद ये लोग खोजे तो देख करके गए तो खोखा नहीं था, और फिर आए ना वहाँ और खोखा आगे में पुलिस को मिला तो फिर आके दोबारा ही दिया। किसी को निशाना बनाया गया कि ऐसे ही रैंडम फायरिंग किया? अभी इसका अभी जांच चल रहा है, देखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा देखा जा रहा है, कौन था कौन नहीं था इसका जांच किया जा रहा है। फिलहाल आरोपी फरार है और मौके पर गोली के निशान छोड़ गए हैं। ऐसे में पुलिस को अब सीसीटीवी का सहारा है। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक शहर में फायरिंग की वारदात होने लगी है, उससे सुशासन पर सवाल उठने लगे हैं। और देखिए, इस पूरी घटना पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक कुमार भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कि बेगूसराय में क्या कुछ हुआ था, और ये देखिए दूसरी तस्वीर हाजीपुर में आखिर क्या कुछ हुआ है। बेगूसराय में जहां चार अपराधी एक मोटरसाइकिल पर बैठकर 25 से 30 किलोमीटर तक चलते रहे और अलग अलग जगहों पर फायरिंग करते रहे, जिसमें 10 लोगों को उन्होंने घायल किया, एक व्यक्ति की जान चली गई, ऐसी ही कुछ घटना अब हाजीपुर में भी हुई, जिसके बाद वहां के लोगों में दहशत है। शशांक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर सीधा हमारे सहयोगी। शशांक, अभी तक हाजीपुर में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी पुलिस जुटा पाई है? क्योंकि जिस तरह से बयान पुलिस की तरफ से दिया गया वो देखकर साफ लग रहा है कि पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है अभी भी। जी देखिए, पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, सीसीटीवी का सहारा यहाँ पे लिया जा रहा है, जांच जारी है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी कोई सफलता मिली नहीं है। 500 मीटर तक हवाई फायरिंग करते हुए अपराधी निकल गए हैं। मंशा क्या थी, दहशत फैलाना मंशा था या कोई निशाने पर थे, इसका खुलासा पुलिस अभी नहीं कर पाई है। जांच जो है जरूर अभी चल रहा है। एक बाइक पे दो लोग थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन कितने राउंड फायरिंग एग्जैक्ट हुई है ये भी पुलिस अभी बताने की स्थिति में नहीं है। दोनों अपराधी जो है फायरिंग करते हुए शहर में घुस गए हैं, तो उनकी तलाश के लिए पुलिस की तरफ से छापेमारी जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है शशांक के, अपराधियों के हौसले आखिर इतने बुलंद क्यों हो गए? बेगूसराय में क्या कुछ हुआ हमने देखा, अब उसी पैटर्न पर यह घटना हो जाती है हाजीपुर में? अभी देखिए, अपराधी जरूर बेखौफ दिख रहे हैं महागठबंधन की सरकार में, जिस तरह के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, बेगूसराय की तरह ये भी घटना हुई है, तो अपराधियों में कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है। जरूरी है कि जो सुरक्षा व्यवस्था उसको टाइट किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस बैकफुट में नजर आ रही है। गश्ती टीम भी आजकल नजर नहीं आती है रात के समय में, तो ये भी एक कारण है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।